दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जो आज तक लोगों के बीच रहस्य बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन वो ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। वैज्ञानिकों से लेकर पुरातत्वविदों के लोगों ने इन रहस्य को जितना सुलझाया नहीं, उससे कहीं ज़्यादा उलझ गए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों और जगहों के बारे में बताएंगे जो हजारों साल से लोगों के बीच अनसुलझी पहेली बनी हुई है। गोशेक सर्कल। यह अजीबोगरीब गोलाकार आकृति जर्मनी के एक छोटे से शहर गोशेक में है, जिसे कुछ लोग जर्मन का स्टोनहेंज भी कहते हैं। करीब 250 फीट में फैली हुई इस आकृति के बारे में कहा जाता है कि इसे करीब 5000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसे किसने बनाया, इसे लेकर बड़ी समस्या है, क्योंकि अब तक किसी को पता ही नहीं कि इसको किसने बनाया। कई लोगों का कहना है कि शायद यह पहले ज़माने का मंदिर हो सकता है, पर इसकी इस आकृति की वजह से कई लोग सोचते हैं कि इन्हें एलियन द्वारा बनाया गया होगा, या फिर यह UFO उतरने का एक ठिकाना हो सकता है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। दुनिया कई रहस्यमय चीज़ों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को लोगों ने सुलझा लिया है तो कुछ अभी भी पहेली बने हुए हैं। रहस्य चाहे किसी भी चीज़ से जुड़ी हो, चाहे वो इंसान के मौत का रहस्य हो या फिर पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा ही एक रहस्य किताब से जुड़ा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। यह किताब पूरे 240 पन्नों की है। इस किताब के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि यह किताब लगभग 600 साल पुरानी हो सकती है। इस किताब के कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसको 15वीं सदी में लिखा गया था। इस किताब को हाथ से लिखा गया था, लेकिन इस किताब पर क्या लिखा है और किस भाषा में लिखा है, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस किताब के रहस्य को सुलझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इस रहस्यमय किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधे और अन्य कई चीज़ों की तस्वीर बनी हुई है। इसके अलावा इस किताब में कई ऐसे पेड़ पौधे की तस्वीरें बनी हुई हैं जो इस पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं हैं। किताब के बारे में कहा जाता है कि इसमें पहले और कई पन्ने थे, लेकिन समय के साथ पन्ने खराब होते चले गए और फिलहाल अब इस किताब में 240 पन्ने बचे हुए हैं। इस किताब के बारे में पूरी तरह से तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना ज़रूर पता चल पाया है कि किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं। इस रहस्यमय किताब के बारे में कई लोगों का मानना है कि किताब को इस तरह से लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे किताब लिखने वाले ने छिपाने की कोशिश की है? इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब कोई इस किताब को पढ़ पाएगा। क्लैस ऑफ गॉड। हमारे आसपास ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिन्हें सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ इसी तरह की एक ऐसी खास जगह है मैक्सिको में। इस जगह से जुड़े रहस्य को सुलझाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन इसमें अभी तक किसी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली। मैक्सिको में स्थित इस शहर को टियाटिवाकान शहर के नाम से जाना जाता है। ये शहर पिरामिडों का एक खंडर है। टियाटिवाकान शहर की खोज 14वीं सदी में एजटेक साम्राज्य के लोगों ने की थी और उन्होंने ही इसका नाम रखा था। इससे पहले इस जगह कोई नाम ही नहीं था। इस शहर को खोज करने वाले लोगों का कहना था कि इस शहर को देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे ये अपने आप ही प्रकट हो गया हो। इस जगह को किसने और क्यों बनाया और यहाँ कौन रहता था, ये सब एक रहस्य का विषय है। आपको बता दें कि इस शहर से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, पर फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस रहस्यमय शहर में 25,000 लोग रहते होंगे, क्योंकि यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस शहर में बने एक पिरामिड के अंदर कई इंसानों की हड्डियां मिली हैं। अजरक ओएसिस वेल। सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली इन अजीबोगरीब आकृतियों का अब भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि इसे करीब 8,500 साल पहले बनाया गया होगा, लेकिन इसको क्यों बनाया गया होगा और किसने बनाया, ये आज तक नहीं पता चल पाया। इस आकृतियों को ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन यह आकृति जमीन से नहीं दिखता। जॉर्डन में अजरक ओएसिस के पास के क्षेत्र में सैकड़ों पहिए जैसी आकृतियां हैं। पत्थर से बनी यह संरचनाएं जो कम से कम 2000 साल पुरानी हो सकती हैं, और यह 25 मीटर से 70 मीटर चौड़ी है।
पुरातत्वविदों का मानना है कि अजरक अवशेष के पहिए किसी कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। हालांकि अब इस पर संदेह है।